हेलो गाइस गाइस, अगर आप एक न्यू ब्लॉगर हैं और आप भी अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाहते हैं, वो भी गूगल सर्च से, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिस मेथड में ना तो आपको कोई पैसे देने हैं और ना ही आपको किसी तरह का कोई ज्यादा मेहनत वाला काम करना है। जनरली जैसे आप अपने आर्टिकल पब्लिश करते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, वैसे ही अपने आर्टिकल का कुछ पार्ट, मतलब कुछ वर्ड कॉपी करके उस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर देना है, ठीक है? और फिर उस प्लेटफॉर्म से आपको अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, और ये ट्रैफिक आपको गूगल सर्च से ही मिलेगा। ये नहीं कि आप लोगों को कोई अदर कोई जो मेथड होते हैं, जैसे सोशल मेथड्स हो गए, ठीक है, या फिर रेफरिंग ट्रैफिक हो गया, तो ये सब नहीं, केवल आपको सर्च से ही ट्रैफिक मिलेगा। और साथ में जब आपको ट्रैफिक मिलेगा तो आपके कीवर्ड की रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी, जिससे आपका आर्टिकल आने वाले टाइम पे आपके टारगेटेड कीवर्ड पे जल्दी रैंक करेगा। तो ये कौन सा मेथड है जिससे आप जल्दी से जल्दी अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हो, वो भी 3 मंथ्स के अंदर, क्योंकि एक न्यू साइट को 3 से 4 मंथ लग जाते हैं अपनी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने पे। लेकिन ये मेथड आपको जल्द से जल्द ट्रैफिक देगा। आप अगर आज काम करोगे तो 1 वीक के बाद आपको वहां से ट्रैफिक मिलना चालू हो जाएगा, ओके? लेकिन इस मेथड के भी कई ये कह लो कुछ स्ट्रैटेजी हैं जिन्हें अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है मैं आप लोगों को तभी बताऊंगा जब आप में से सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, जिससे होता क्या है कि मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और फिर मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। कल के वीडियो में तो कुछ लोगों का मतलब अच्छा रिस्पॉन्स था, लाइक मिला, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। सो भाई पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो मिलती रहे। नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, तो पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और दूसरी चीज, अभी मैंने एक फॉरम देखा है जहां पर इस टाइम पे आपको फ्री रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, और वो फॉरम है बेटर क्रिएटर। यहां पर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ब्लॉगिंग रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, वो सारी प्रॉब्लम इजीली यहां पर सॉल्व कर दी जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाओ, रजिस्टर करो, इस फॉरम पे आओ और अपनी जो भी ब्लॉगिंग की प्रॉब्लम है या फिर जो भी ये जो मैं चीजें बता रहा हूं इसकी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मेथड मैं भी बताऊंगा इसकी जो भी प्रॉब्लम है, आप इस फॉरम पे आके पूछो। मैं भी यहाँ पर रहता हूँ, मैं भी यहाँ पर काम करता हूँ, लोगों के डाउट्स को सॉल्व करता हूँ, तो मैं आपके सारी डाउट्स को सॉल्व करूंगा। तो फॉरम को अभी ज्वाइन कर लो, ओके? अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू ट्रैफिक ला सकते हो। जनरली मैं आप लोगों को सबसे पहले प्रूफ दिखा दूं। अब आप यहां पर देखोगे ये कीवर्ड है जिसको मैंने गूगल पे सर्च किया है, ठीक है, आप देख सकते हो अभी भी रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होने के बाद देखो जो गूगल के ये फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हो, ये गूगल का फर्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज पे आप देखो टोटल सभी साइट्स रैंक कर रही हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पर जब आप नीचे आओगे ना तो यहां पर आप देखो गूगल डॉक्स, मतलब गूगल का जो डॉक्स है, मतलब गूगल डॉक्यूमेंट, वो यहां पर रैंक कर रहा है। अब कैसे रैंक कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो गूगल डॉक्यूमेंट, आपको मालूम है गूगल डॉक्यूमेंट आप लोग यूज करते होगे किसी को कोई फाइल शेयरिंग या फिर कोई नोट शेयरिंग के थ्रू के लिए जब यूज करते होगे, उस पे आर्टिकल लिखते हो गूगल डॉक्यूमेंट पे और फिर उसको लिंक देते हो जिससे वो एक्सेस कर पाता है आपके टूल, आपके नोट्स को। तो यहां पर एक बंदा, अब ये जिसकी भी साइट है, वो गूगल डॉक्यूमेंट से, ठीक है, अपने आर्टिकल को रैंक करा रहा है, अपने इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है और यहां से अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक भेज रहा है। इस फाइल को जब मैं खोलूंगा, ठीक है, तो गूगल डॉक्स में आप देख सकते हो इसने अपने इस डॉक्यूमेंट फाइल में कुछ नहीं किया, केवल एक कीवर्ड डाला है, एक इमेज डाला है, एक डाउनलोड बटन दिया है जिसमें उसने अपने ब्लॉग का URL ऐड कर दिया है और फिर लास्ट में इसने कुछ कंटेंट डाला है। और इतना ही करने के बाद उसका जो ये पेज है, ठीक है, इसने बस क्या किया, इसने, हम लोग एनीवन पे लगाते हैं, एनीवन कैन क्लिक दिस लिंक, मतलब लिंक पे लगाते हैं कि जब कोई लिंक पाएगा क्लिक करेगा तो ही हमारा जो ये डॉक्यूमेंट फाइल है उस पर एक्सेस कर पाएगा। इसने क्या कर दिया, पब्लिक ऑन द वेब पे कर दिया है। अब इससे क्या है कि ये जो इसकी डॉक्यूमेंट फाइल है ये गूगल सर्च में रैंक होने लगी, क्योंकि ये पब्लिकली आ चुकी है और इसने जो कीवर्ड टारगेट किया था उस कीवर्ड पे सर्च बहुत अच्छा है और बहुत से लोग इस पे कॉम्पिटिशन भी कर रहे हैं, मतलब इसके रैंक करने के लिए बहुत लोगों में कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो उस टाइम पे आपको मालूम होगा गूगल डॉक्स जैसी वेबसाइट पे बहुत ही ज्यादा हाई अथॉरिटी होती है, 98 की DA अथॉरिटी है इनकी,
तो गूगल डॉक्यूमेंट की इतनी हाई अथॉरिटी अगर है तो वो तो इजिली रैंक करेगा, और वो भी जब पब्लिक ऑन द व्यू लगा है तो मतलब आराम से वो रैंक करेगा। और बस इसने गेम क्या खेला है, इस बंदे ने ऐसा कीवर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट किया है जिस कीवर्ड पे इतना खास ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ट्रैफिक है। अगर मैं इस कीवर्ड को सर्च करके देखूं तो इस कीवर्ड पे आप देख सकते हो 150 का ट्रैफिक है, और इस पे आप देख सकते हो ये बंदा देखो रैंक कर रहा है। मैंने यहाँ पे देखो आपको लिखा है 7वें नंबर पे रैंक कर रहा है, इसने कोई बैकलिंक नहीं बनाई है। और जैसा कि मैंने बताया कि इतनी हाई अथॉरिटी की साइट्स को कोई बैकलिंक की जरूरत भी नहीं होती है, बस इसने पब्लिक ऑन द व्यू करके अपने आर्टिकल का थोड़ा सा जो पार्ट है वो यहाँ पर पेस्ट करके उसे पब्लिकली कर दिया, और फिर गूगल ने उसे एज अ कंटेंट समझा। और गूगल पे तो मालूम है आप कुछ भी चीज लिस्ट करो वो रैंक होगी ही होगी। ठीक है, पहले बहुत लोग मीडियम हो गया साइट्स, अभी भी गूगल साइट्स की हेल्प से बहुत लोग ट्रैफिक गेन करते हैं, लेकिन गूगल डॉक्यूमेंट से आपने कभी नहीं सुना होगा। ठीक है, तो इस बंदे ने गूगल डॉक्यूमेंट की हेल्प से ट्रैफिक गेन किया, और अब हम लोगों को क्या करना है, इसने तो ट्रैफिक गेन किया, अब हम लोग क्या करेंगे ये समझो। अब जनरली हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऐसा कीवर्ड लेंगे जिसपे हमको ट्रैफिक लाना है, उस कीवर्ड पे क्या करेंगे, हम मेन कीवर्ड को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि सभी मेन कीवर्ड पे बहुत सारा कंपटीशन होता है और वहां पर रैंक करना इतना पॉसिबल नहीं होता। अब यहां पर बैकलिंक नहीं थी तो ये हाई अथॉरिटी वाले, देखो बैकलिंक है लेकिन तब भी देखो बहुत से में बैकलिंक नहीं है, इसका दी अथॉरिटी भी ज्यादा है तो ये रैंक कर गया। लेकिन बहुत से केसेस में क्या होता है कि आप में से बहुत से लोग होंगे जो काफी ज्यादा पैसे स्पेंड करते हैं बैकलिंक के ऊपर और वो हाई अथॉरिटी की बैकलिंक लेते हैं, तो उस केस में ये सिंगल वेबसाइट जिसकी वेबसाइट अथॉरिटी 95 है, ठीक है, गूगल डॉक्स, वो रैंक नहीं कर पाती फर्स्ट पेज पे। तो हम लोगों को क्या करना है, अपना जो भी कीवर्ड हम लोग टारगेट कर रहे हैं उस कीवर्ड का कोई एक ऐसा लॉन्ग टेल कीवर्ड पकड़ना है जिसपे कोई ज्यादा खास कंपटीशन नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिया हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर, अब हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर के मैं ऊपर के कीवर्ड नहीं लूंगा क्योंकि ये कीवर्ड सभी के नजर में होते हैं और सभी लोग इनको टारगेट करते हैं, और हम क्या करेंगे नीचे से कोई एक अच्छा कीवर्ड ले लेंगे। जैसे कीवर्ड मिल गया इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर, अब हम क्या करेंगे इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे कुछ नहीं करेंगे, एक डॉक्यूमेंट की फाइल बनाएंगे। डॉक्यूमेंट की फाइल बनाना बहुत ईजी है, फाइल पे जाओ, यहाँ पर न्यू पे जाओ और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो। ठीक है, यहां पर जाने के बाद हम जो अपना कीवर्ड है उस कीवर्ड को क्या करेंगे, इजिली इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, हम इजिली यहां से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद इसे लाकर यहां पर पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद इसमें क्या करेंगे कुछ कंटेंट लाकर ऐड कर देंगे, कुछ इमेजेस ऐड कर देंगे, और फिर अपना हम क्या करेंगे यूआर, जैसे यहां पर हमने डाल दिया। अब यहां पर क्या करेंगे, कुछ नहीं हम लोगों को करना, बस इजिली आकर के, ठीक है, इसे बस क्या करना है ऐसा ऐसे बना दो, अपनी इमेज कोई डाल दो, अपनी यूआरएल डाल दो डाउनलोड बटन करके या कुछ भी करके, कुछ टेक्स्ट अपने आर्टिकल से लिख के डाल दो, और कुछ वीडियो अगर हो सके तो एक दो वीडियो डाल दो, एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल टाइप का एक डॉक्यूमेंट पे आर्टिकल तैयार करो। ठीक है, और केवल एक कीवर्ड को टारगेट करो, ज्यादा नहीं, केवल एक कीवर्ड को टारगेट करो और पूरा उसी में इमेज डाउनलोड बटन कंटेंट और वीडियो डालो। देन उसके बाद उसको क्या करो, यहां से शेयर करोगे तो ये प्राइवेटली शेयर होगा, जब आप यहां पर आओगे फाइल पे तो नीचे आप यहां पर देखोगे पब्लिक टू द वेब, इस पे क्लिक करोगे तो आपका जो आर्टिकल है वो पब्लिकली शेयर हो जाएगा, मतलब फिर उस पे कोई भी विजिट करके उसे रीड कर सकता है, और फिर जब वो पब्लिकली होगा तो गूगल उसको क्या करेगा, स्कैन करने के बाद उसे रैंक भी करेगा, और जब आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है जिसपे आप ये पूरी डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करे हो उस पर कोई इतना खास कंपटीशन नहीं होगा तो वो इजीली रैंक कर जाएगा, और जब वो रैंक करेगा तो आपको अपने जो डाउनलोड बटन आपने डाला है वहां से आपको ट्रैफिक मिलेगा अपने मेन आर्टिकल पे। तो यहाँ का एक तो बैकलिंक आपको मिल गया, नो फॉलो बैकलिंक, दूसरा जब आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जाएगा तो आपके और भी कीवर्ड की रैंकिंग इंप्रूव होगी क्योंकि उनपे बूस्ट लगेगा, आपके आर्टिकल का वॉच टाइम बढ़ेगा जिससे आपके कीवर्ड की रैंकिंग और भी ज्यादा इंप्रूव होगी। ओके, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है अपनी साइट पे ऑर्गेनिक सर्च से ट्रैफिक लाने का। इसी तरह आप एक कीवर्ड और भी जितने अल्टरनेटिव कीवर्ड है उनको कॉपी पेस्ट करके उनके ऊपर डॉक्यूमेंट फाइल बना सकते हो। ठीक है, मैंने 100-150 वाला ट्रैफिक पकड़ा, आप इससे अच्छे वाले कीवर्ड पकड़ो जिनपे ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है,
जैसा कि मैंने बताया कि आप चेक कर लो कि उनपे ज्यादा बैकलिंक्स ना बनी हो, इजिली आप वहां पर रैंक कर सको एसईओ टूल की हेल्प से, ठीक है। उन कीवर्ड पे आप डॉक्यूमेंट फाइल बना लो और डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के बाद अपने मेन ब्लॉग पे टारगेट करो। ये देखो यहाँ पर ये बंदा इस पे देखो टारगेट कर रहा था, लेकिन अभी इसकी साइट एग्जैक्ट नहीं, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो हमारे ख्याल से डोमेन एक्सपायर हो गया उसका, ठीक है। तो आप भी क्या करो, इसी तरह से 5 से 6 डॉक्यूमेंट फाइल बना करके अपने मेन टारगेट पे जो आर्टिकल है उस पे लिंक करो। आपका मेन टारगेटेड आर्टिकल तो रैंक करेगा, ये भी रैंक करेगा, जैसे कि ये गूगल डॉक्स रैंक कर रहा है, और यहां से आपको ट्रैफिक मिलेगा आपके मेन आर्टिकल पे। वहां पर जब वो कीवर्ड बूस्ट हो जाएंगे, कीवर्ड की रैंकिंग इंक्रीज होगी, तो वहां से भी आपको ट्रैफिक मिलेगा। और अभी भी मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो साइट्स होती हैं, मीडियम हो गया, गूगल डॉक्स हो गया, गूगल साइट हो गई, ये सब हाई अथॉरिटी की साइट्स होती हैं, ठीक है। इन्हें जनरली लोग इस चीज के लिए पहले यूज करते थे, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं, अब गूगल इसे भी ब्लैक हैट मानता है, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी कंपनी आर्टिकल पब्लिश करने देती हैं, वो अलाउ नहीं करती हैं, बैन कर देती हैं, अकाउंट जो होता है डिलीट कर देती है। इस वजह से यहाँ से ट्रैफिक नहीं लाया जा सकता है अब। लेकिन अभी गूगल डॉक्स और गूगल साइट काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो गूगल डॉक्स पे मेरी वीडियो थी, आप यहाँ से ट्रैफिक लाओ, देन मैं गूगल साइट्स पे भी वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।